السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على شرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل لقطة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمين इस दुनिया में हर इंसान की ये ख्वाहिश होती है कि उसका एक घर हो जिनके पास घर नहीं वो सारी जिंदगी इस चीज की तगोदों में लगी रहती हैं कि एक छत उनकी अपनी हो और जो कराई के घरों में रहते हैं उनका भी यही होता है कि हम एक अपना घर बना लें तो अब वो दिन आ गए कि आप एक अपना घर बना सकते हैं एक ऐसा घर जो हर परेशानी हर गम हर मुसीबत से पाक घर और इन दिनों में उस घर की कीमत नहायत सस्ती हो गई है जिसको कहते हैं कि सेल पे लग गया देखिए हर जगह पर आसान किस्तों में भी घर मिला करते हैं हमें में इश्तेहार मिलता है ना कि बहुत आसान किस्तों पे आजकल तो आजकल एक घर ऐसा भी है जिसको अल्लाह ताला ने आपको ऑफर किया है जो बहुत आसान किस्तों में मिल, मिल रहा है और एक नहीं आप एक से ज्यादा घर भी तामीर करवा सकते हैं आज ये सौदा मैं आपके पास लेकर आई हूं इसके लिए जो सरमाया है वो ईमान और खालिस नेक अमल जो बगैर रियाकारी के हो और सुन्नत के मुताबिक हो उसके जरिए आप अपना घर तामीर कर सकते हैं और सिर्फ घर नहीं बड़े बड़े महल तामीर हो सकते हैं बहुत सारे लोग बुकिंग करवा सकते हैं घरों की कमी नहीं है कि किसी और ने ले लिया तो मैं पीछे रह जाऊंगी सभी लोग इस प्रॉपर्टी को खरीद सकते हैं और बड़े से बड़ा रकबा भी आपको मिल सकता है हर स्टैंडर्ड का घर अगर बुक करवा लेंगे आज तो सस्ता पड़ेगा जैसे हम कह सकते हैं सेवेंटी परसेंट ऑफ सेल लगी हुई है अगर बाद में चाहेंगे इसी साइज का घर खरीदना तो महंगा होगा लिहाजा इस वक्त आप सत्तर गुना बड़ा घर और कीमती घर और ज्यादा हसीन घर आप खरीद सकते हैं उसी सरमाए के साथ जिसके साथ बाद में आपको इससे छोटा घर मिलेगा और लोकेशन तो ऐसी है इतनी हसीन कि आप देखें तो देखते रह जाएं मैं आपको अभी पिक्चर नहीं दिखा सकती इसलिए कि अभी वो बन रहा है मगर ऐसे हसीन महल हैं जो आपने कभी देखे ना होंगे और जगह इतनी आला है जो कहीं और मिल नहीं सकती और सारी कीमत है ही जगह की उस लोकेशन की जहां सुकून ही सुकून है खुशी खुशी है और रकबा तो इतना ज्यादा है इतना बड़ा साइज है जिसको कहते हैं लॉट साइज इतना है कि आसमान और जमीन की बुसत के बराबर और दरख्त तो इतने बड़े बड़े हैं कि आप अपनी गाड़ी दौड़ाते रहें, फुल स्पीड पे फिर भी उन दरख्तों का साया खत्म होने का नाम नहीं लेगा फर्निश्ड घर है आपको फर्नीचर ले जाने की या फर्नीचर की सिलेक्शन करने का भी झंझट नहीं है देखिए वरना इंटीरियर डेकोरेटर की फिक्र होती है कौन उसको सजाएगा किसका टेस्ट कैसा हो वो घर बमा फर्नीचर के आता है बेस्ट डिजाइनर ने डिजाइन किया टॉप के इंटीरियर डेकोरेटर ने उसको डेकोरेट किया और मजबूत तो इतना है कि कभी रिपेयर की कभी मेंटेनेंस की जरूरत नहीं है सदियां भी गुजर जाएं, तो पुराना नहीं होगा लिहाजा आप एक दफा खरीद कर देखें दोबारा इसको ना पेंट कराने की जरूरत ना उसकी सफाई की ना उसमें कोई गर्दो गुबार पड़ने का मसला हमेशा साफ सुथरा बाग भी उसके साथ है जो हमेशा सरसब्जो शादाब रहेगा लिहाजा कोई पुराना होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता इस महीने में यह सेल लगी हुई है नहायत मुनासिब कीमत पे मिल रहा है और घर के साथ जो बहुत बड़ा बाग है वो ऐसा है जिसमें हर तरह के फलों के दरख्त हैं हर फल यानी आप जो नाम ले जो भी आपके जहन में आ सकता है या जो भी आपका फेवरेट फल है बिल्कुल फ्रेश लगे हुए वहां और खालिश है और गैने के और किसी फल में कोई कांटा नहीं है कोई गुठली नहीं है मीठे इतने हैं कि शहद उसके सामने कुछ नहीं और पके हुए बिल्कुल नरम जूसी नरम तो ऐसे मक्खन की तरह तो फलों के दरख्त भी साथ ही मिल हैं, फिर ये नहीं कि आपको जाके वहां पे कोई गार्डनिंग करनी पड़े ना ही माल, मालियों की कोई टीम आपको हायर करने की जरूरत है इसलिए कि वो तो काफी खर्चा हो जाएगा इतना बड़ा बाग संभालने के लिए आपको एक मालियों की फौज चाहिए होगी क्योंकि उसका तो रकबा ही इस पूरी जमीन से ज्यादा है बस सब कुछ ऑटोमेटिक है इस प्रॉपर्टी में खुद सब साफ सुथरा हो जाता है और प्लांट्स भी लाने की जरूरत नहीं खाद डालने की जरूरत नहीं पानी देने का झंझट नहीं सब कुछ ऑटोमेटिक अच्छी बात यह है कि ये घर विद सर्वेंट्स आता है यानी नौकरों की जरूरत नहीं आपको सब नौकर एक्सपर्ट हैं जो मेड्स हैं वो भी एक्सपर्ट जो वेटर्स हैं वो भी एक्सपर्ट होशियार इतने कि आपको कहना ही नहीं पड़ता कि कोई काम करे खुद से तमाम काम संभाले हुए हैं और सिर्फ एक नहीं है बेशुमार नौकर है ये नौकर ऐसे हैं जो सताने वाले नहीं है और छुट्टी करने वाले नहीं है हमें हमेशा अपने नौकरों से यही शिकायत होती न कि जब कोई अहम मौका आने लगता है, तो उनको छुट्टी का याद आ जाता मगर ये नौकर कभी छुट्टी नहीं करते और ये देखिए प्रॉपर्टी के मालिक ने कहा है कि ये नौकर साथ फ्री में देगा पर सबसे बढ़ के ये कि वफादार नौकर है इसकी गारंटी प्रॉपर्टी के मालिक ने खुद दी है ये नहीं कि आज आपके पास काम कर रहे हैं तो कल कहीं और ज्यादा तनख्वाह मिली तो वहां भाग गए और आप अब फिर नौकर की तलाश में बैठे हैं तो नौकर का मसला हल हो जाएगा रोज रोज का सर दर्द नहीं रहेगा और ना ही इनके सर पे खड़े होने का काम रहेगा आपके सर कि अगर सर पे ना खड़े हुए तो काम खराब कर देंगे कुछ घपला करेंगे और हां प्रॉपर्टी के मालिक ने एक और बात भी कही है उसने ये बताया कि प्रॉपर्टी हर वक्त खुशबू से महकती रहती है यानी बिल्ट इन एयर फ्रेशनर पूरी प्रॉपर्टी में इतने बड़े बड़े महल नुमा घर और सारे घर मुआतर और बाग भी ना कोई कीड़ा है ना एक की कोई जरूरत है कि कोई आके स्प्रे करे किसी किस्म की मक्खी मच्छर इन सब से पाक है और कंस्ट्रक्शन मटेरियल ऐसा है जिसमें खुशबू है लिहाजा आपको कभी भी वहां पे कोई बदबू कोई कोई किस ऐसी किस्म की कोई भी महक नहीं आएगी जो ना गवार हो और क्रॉकरी और बेडिंग इतनी कीमती है कि पूरी दुनिया का सामान देकर भी वैसी ना मिले प्योर सिल्क के अलावा तो वहां पे कोई बात ही नहीं प्रॉपर्टी के मालिक ने कहा है कि आपको साथ किसी किस्म का सामान लाने की जरूरत नहीं है वरना शिफ्टिंग में भी बहुत मुश्किल होती है यहां से सामान बांधे वहां लेकर जाए और फिर इसका खर्चा कितना ज्यादा है देखिए जो पेमेंट आप आज कर देंगे ना उससे वहां सब चीजें प्रॉपर्टी का मालिक तैयार करवा देगा और मूव होने से पहले ताकि आपको किसी किस्म की परेशानी ना हो यहां तक कि आपको अपनी ज्वेलरी तक ले जाने की जरूरत नहीं है आप परेशान तो नहीं हो गई कैसे मैं अपनी ज्वेलरी छोड़ के जाऊंगी जेवर तो छोड़ नहीं सकती नहीं नहीं अगर आप वहां उस घर में रखी हुई ज्वेलरी देख ले तो आपको अपनी ज्वेलरी कूड़ा करके नजर आएगी मेरे पास तो ये सब बेकार चीजें हैं जो मैंने जमा कर रखी हैं ऐसी ज्वेलरी है वहां पर जो मालिक ने बताया कि इतनी खूबसूरत है खालिश सोने की है खालिश सोने की जुड़ाव भी है उसमें चांदी की भी है यानी गोल्ड और सिल्वर दोनों की और मोती तो ऐसे लगे हुए कि एक मोती की, की कीमत जानते हैं कितनी है मिलियन डॉलर नहीं है बिलियन भी नहीं है पूरी दुनिया की दौलत दे दें तो एक मोती की कीमत नहीं बन सकती ऐसे खूबसूरत कड़े है कंगन है कि उनकी चमक सूरज को मान कर दे और भी तरह तरह के जेवर हैं सबसे बड़ी बात यह है कि मालिक ने बताया है कि कोई किसी किस्म के चोरी डाके का डर नहीं है आप घर खुले छोड़ के जाए आप अपने बाग में बैठे हुए हैं ना तो नौकर चोरियां करते हैं ना बाहर से किसी चोरी करने वाले का डर है किसी डाके डालने वाले का डर है तो कोई लूट मार तो है ही नहीं क्योंकि वो लोकेशन ही ऐसी है इलाका बहुत ही सेफ है क्राइम तो जीरो है किसी किस्म का क्राइम नहीं है और जहां तक कपड़ों का सवाल है तो वो भी लेटेस्ट डिजाइनर के आप लेटेस्ट डिजाइनर ढूंढते हैं ना आपके सारे डिजाइनर फेल हो जाएंगे उस डिजाइनर के सामने जिसने वो कपड़े डिजाइन किए है। जानते हैं वहां आपकी वॉर्ड्रोब पहले से सेट है आपको एग्जैक्ट फिटिंग के ड्रेसेस वहां पर मिलेंगे कोई ऑल्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं होगी ना ही कोई कलर और स्टाइल में जरा भी चेंज लाने की आपको जरूरत पड़ेगी एग्जैक्ट आपकी पसंद का आपको इतना पसंद आएगा ऐसे ऐसे ड्रेसेस वो कह रहे हैं बता रहे हैं कि वहां पे हैं कि जो आपके तस्वुर से भी बाहर बियॉन्ड इमेजिनेशन इतने हसीन है और परफेक्ट मेड फॉर यू वरना आजकल तो आपको पता है आप कुछ बनने को देते हैं तो देते कुछ है और जब बन के आता है तो वो कुछ और चीज होती है जिसको आपने सोचा भी नहीं होता आपके कभी नाप की नहीं होती ऑल्ट्रेशन करानी पड़ती है और कभी ऐसे होता है कि वो उस तरह से निकल के नहीं आती जैसे आपने सोचा हुआ था कि ये ऐसी बनेगी कभी मटेरियल इतना फाइन नहीं लगाते और कभी तो ऐसा होता है कि कुछ अरसे के इस्तेमाल के बाद उसका हाल बुरा हो जाता है कभी वो कलर नहीं होता जैसे चाहा था बहुत सारी कबाहते हैं मगर वहां पर मटेरियल इतना फाइन है कि पूरा ड्रेस हाथ में आ जाए और ये भी फिकर ना करें कि पहनने पे भारी लगे जैसे आजकल कामों वाले कपड़े जब आप पहन लेते हैं तो इतने भारी होते हैं कि थोड़ी देर बाद ही थकन हो जाती है और दिल करता है कि फौरन चेंज करें बल्कि वो कपड़े तो इतने लाइट वेट है कि एक के ऊपर दूसरा और दूसरे पे तीसरा इस तरह सत्तर जोड़े एट ए टाइम आप पहन सकते हैं और ये नहीं कि एक जोड़े से दूसरा छुप जाएगा नहीं अंदर से दूसरा जोड़ा झलक रहा होगा इन ड्रेसेस का दुपट्टा इतना कीमती है कि पूरी दुनिया की दौलत देकर भी नहीं खरीद सकते और मर्दों के लिए रुमाल इतने कीमती हैं। कि सारी दुनिया की दौलत एक तरफ और वो रुमाल एक तरफ अगर रुमाल का या दुपट्टे का ये हाल है तो पूरे लिबास का क्या हाल होगा और क्या कीमत होगी अंदाजा कीजिए और सबसे बड़ी बात ये कि ये सब कुछ इस प्रॉपर्टी के साथ फ्री मिल रहा है बस आप एक दफा प्रॉपर्टी का सौदा कर ले बाकी चीजें कॉम्प्लीमेंट्री हैं और बाकी चीजें आपकी सोच से बाहर हैं और एक बहुत बड़ी खूबी जो इस घर में है वो ये कि वो सारा इलाका स्ट्रेस फ्री है टेंशन फ्री नेबर से भी कोई टेंशन नहीं है क्योंकि सभी बहुत अच्छे सुलझे भी लोग हैं वहां पे खुश इखलाक कोई किसी को तंग करने वाला नहीं है ऐसे लोग हैं जिनके साथ आपको रहने में मजा आ जाएगा जिनके साथ आप गपशप कर सकेंगे जिनके साथ आप एंजॉय कर सकेंगे स्ट्रेस, परेशानी की कोई बात ही नहीं है और ना ही कोई ऐसी न्यूज है जो सुनने में मिलेगी इस कदा पुरसकून पुर अमन और ऐशो इशरत वाला इलाका है बाजार भी ज्यादा दूर नहीं है बहुत आराम से बाजार जा सकते हैं हर जुमे को बाजार लगता है और किसी से मिलना जुलना हो तो उड़ने वाली सवारियां भी मौजूद हैं। और क्या चाहिए सब कुछ इस प्रॉपर्टी के साथ ही है सिर्फ आपको आज सौदा करना है फिर देखें आपका दिल खुश कर देने वाली चीजें आपको मिलेंगी और आप एक दफा ये सौदा कर लें यकीन जाने आप कहीं मूव नहीं होना चाहेंगे आप कहीं और जाना नहीं चाहेंगे आप ये प्रॉपर्टी कभी चेंज करना ही नहीं चाहेंगे कभी बेचना ही नहीं चाहेंगे क्या कहते हैं आप क्या इसकी कीमत लगाना चाहेंगे आप सोच रहे होंगे कि ये तो मैं अफोर्ड ही नहीं कर सकती कि ये तो बहुत महंगी होगी ऐसा नहीं आप अफोर्ड कर सकते हैं एक बात जो सबसे बड़ी है वो ये कि इस वक्त मैं और आप जिंदा हैं। जितने जिंदा लोग हैं इस वक्त वो इस प्रॉपर्टी को खरीद सकते हैं लेकिन शर्त है कि ईमान वाले होने चाहिए फिर उसके बाद तो आपके पास चॉइस है कि आप जितनी मर्जी बड़ी प्रॉपर्टी खरीदें और जब आजकल कम कीमत पे मिल रही है आसान किस्तों पे मिल रही है तो फिर तो बहुत ही ज्यादा अफोर्डेबल हो गई तो मैं आपको इसकी किस्तें बताती रहूंगी आप साथ साथ देते जाइए और प्रॉपर्टी खरीद लीजिए ईमान अगर है तो उसके बाद दूसरी चीज है नेकियों के अंबार जितनी ज्यादा नेकियां होंगी उतने ही ज्यादा बड़ी प्रॉपर्टी इतने ही ज्यादा बड़े बड़े मोहल्ला और बड़े बड़े बागात और उतने ही ज्यादा दरख्त मिल सकते हैं पहली किस्त इसकी कुरान है इस कुरआन की तिलावत इसकी समझ हासिल करना इस पर अमल करना इसलिए कि उस प्रॉपर्टी के मालिक के नुमाइंदे ने बताया कि जिसने कुरआन को रहनुमा बनाया तो ये कुरआन उसको उस जन्नत में ले जाएगा और जिसने इस कुरआन को पसे पुश्त डाला तो ये कुरआन जहन्नम में पहुंचा देगा तो कुरआन की तिलावत आजकल खूब खूब करें दौरा कुरान सुने नमाजों में कुरान को ज्यादा पढ़े कुरान को अपना ओढ़ना बिछोना बनाए यानी दिन रात कुरान के साथ गुजारे और जरूर ये जानने की कोशिश करें कि ये कहता क्या है इसी में आपको इस प्रॉपर्टी की कीमत पता चलेगी यही आपको बताएगा क्या, क्या क्या कुछ और लगाते जाएं लगाते जाएं और प्रॉपर्टी बनती जाएगी ये कुरान वो वकील है जो आपको ये प्रॉपर्टी दिलवाएगा आप देखते हैं ना सौदा करने के बाद एक वकील भी हायर किया जाता है ताकि कोई भी मुश्किल ना हो तो ये वो वकील है जो उस प्रॉपर्टी तक लेके जाएगा फिर दूसरी बात ये जब भी नमाज पढ़े तो फर्ज अदा करने के बाद सलाम फेर कर आयतल कुर्सी जरूर पढ़े आयतल कुर्सी तो सबको याद होगी तो जायन से उठना नहीं है जब तक आयतल कुर्सी ना पढ़ ले तब मालिक के नुमाइंदे ने बताया कि जो शख्स हर फर्ज नमाज के बाद आयतल कुर्सी पढ़ ले उसे में उसको जन्नत में जाने से सिवाय मौत के और कोई चीज नहीं रोक सकती और आप इस प्रॉपर्टी का सरमाया ऐसे भेजते जाएं कि वहां पे तामीर होती जाए आप जैसे जैसे अल्लाह ताला का जिक्र करते रहेंगे तो वहां पे जो वर्कर्स हैं, इतने माहिर हैं, इतने अच्छे वर्कर हैं। वो मजदूर वो महल्लात बनाते रहेंगे वो कोई आम मजदूर नहीं है फरिश्ते हैं और जैसे जैसे आप जिक्र में बढ़ते जाएंगे वो आपके महल की तामीर करते रहेंगे जब आपने जिक्र छोड़ दिया तो वो भी महल की तामीर रोक देंगे तो हम चाहते होंगे कि जल्दी जल्दी हमारा महल तामीर हो जाए हर चीज सेटअप हो जाए हमारे मूव होने से पहले रेडी हो तो फिर ज्यादा से ज्यादा जिक्र कीजिए और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं आपको सुबह अल्लादुल्लाकबर इसके बारे में बताती रहूंगी कि इसकी क्या खसूसियात हैं क्या इसके फजाइल हैं ताकि आपको ये क़लिमा महबूब हो जाए तो आज की इसकी फजीलत जो मैं आपको बताना चाहती हूँ वो ये है कि जब आप ये अल्फाज दोहराएंगे जब आप ये अल्फाज कहेंगे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे लिए ये क़लिमात ज्यादा महबूब है हर उस चीज से जिस पर सूरज तुलु हुआ यानी किस किस चीज पे सूरज तुलु होता है पूरी दुनिया के ऊपर तो पूरी दुनिया से ज्यादा महबूब लिहाजा अल्लाह ताला को भी महबूब अल्लाह के नबी को भी महबूब तो हमें कितने महबूब होने चाहिए बहुत ज्यादा तो हमारी जुबान इन कलिमात से थकनी नहीं चाहिए और ये कलिमात ऐसी हैं कि जिनको किसी को याद करने की जरूरत नहीं है इसलिए सबको ये कलिमात आते हैं तो इनको जारी रखें अपनी जुबान पर उठते बैठते और इसी तरह नमाजे इशराक का एहतमाम कीजिए दोहा की नमाज भी कह सकते हैं अगर आप इसको सूरज निकलने के पंद्रह मिनट के बाद पढ़ लेते हैं तो इसको इशराक की नमाज कह कहा जाता है अगर आप इसको लेट पढ़ते हैं तो इसको दुहा की नमाज कहा जाता है आप हर सुबह को अपने जोड़ों का सदका दिया कीजिए जैसे हमारे जिसम में तीन सौ साठ जोड़ हैं तो इनका सदका करना जरूरी है आपको पता है जोड़ों के बगैर तो इंसान ना चल सकता है ना फिर सकता है ना लेट सकता है ना बैठ सकता है ना कोई काम कर सकता है ये सब जोड़ है ना हमारे ये बाजू ये कंधे का जोड़ कोनी ये भी जोड़ है फिर आप देखिए आपकी रिस्ट जो है ये भी जोड़ है आपके पांव जोड़ के साथ टांग के साथ जुड़े हुए तो ये सब जोड़ है अगर ये जोड़ ना होते तो स्टिफ होता बिल्कुल ले ना सकता तो कोई काम नहीं कर सकते थे जिनको जोड़ों के मसाइल हो जाते हैं, उनसे पूछें कि कितना मुश्किल होता है फिर उनके लिए तो लिहाजा हर दिन इन जोड़ों का सदका दीजिए सदका कैसे देंगे एक तरीका बहुत ही आसान है और वो ये कि दो रख दिन के शुरू में पढ़ लें ये काफी है आपके लिए आपके तीन सौ सात जोड़ों के लिए यही जिसको मैंने अभी आपको कहा कि ये नमाज जिसको दुहा की नमाज कहते हैं इशराक की नमाज भी इसीलिए कहते हैं अगर अर्ली पढ़ लेंगे तो इशराक़ की नमाज कहलाती है अगर थोड़ा लेट करेंगे तो दुहा की नमाज कहलाती है दो भी रकत पढ़ लें तो इतनी फजीलत है और अगर आप फजर पढ़ने के बाद जिस जगह पर बैठे हुए वहीं बैठे बैठे अल्लाह का जिक्र करते रहे तो आपको इतना अजर मिलेगा अगर आपने अल्लाह का जिक्र करते करते वो टाइम कर दिया कि जिसमें सूरज निकल गया और सूरज निकल के पंद्रह मिनट ऊपर हो गए तो अब आपने ये दो रकत पढ़े जिसको इशराक कहते हैं, तब इतना अजर मिलेगा कि हज और उमरे के बराबर सवाब घर बैठे आपको मिल रहा है कितने आपको मेहनत करनी पड़ती है हज उम्रे के लिए कितना पैसा, कितना पैसा लगाना पड़ता है तो इस तरह से आप कोई डेढ़ दो घंटे में आप हज और उम्र का हजर पा सकते हैं लिहाजा आप सनराइज का टाइम देख कि आपके यहाँ पे कितने बजे सूरज तुलु होता है और उसके पंद्रह मिनट बाद दस से पंद्रह मिनट कह दें आप बस ये दो रकत पढ़ लीजिए तो इसके बहुत फवाद हैं और भी आपको फायदे में ऐसा ऐसा बताती रहूंगी अल्लाह ताला हमें इन कामों पर अमल करने की तोहफी कता फरमाए जो आज की दुआ है वो दुआ भी इसी से मुतल्लिक है जो हमने आज बात की है कि हम अपनी बुकिंग करा ले इस घर के लिए तो आज की दुआ अल्लाहुम्मा इन्नी असअल जन्नत वही मिनारबा कि अल्लाह बेशक मैं तुझसे सवाल करती हूँ जन्नत का और हर उस बात का और हर उस अमल का जो उस जन्नत के करीब कर दे मुझे और मैं तेरी पनाह चाहती हूँ आग से और हर उस बात से और हर उस अमल से जो उस आग के करीब कर दे अल्लाह ताला हमसे ये दुआएं कबूल फरमाए इलैक सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाहि wa barakatuhu